नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो जिला बेरमो अनुमंडल अंतर्गत पेटरवार प्रखंड के खेत को पंचायत में शनिवार को ताजिया ले जाने के क्रम 11 केवी तार से करंट लगने से 4 लोगों की मौत, 7 घायल। मृतक का मुआवजा 2 लाख एवं घायल को 1 लाख देने पर भड़के बीजेपी नेता डॉक्टर प्रकाश सिंह ने साफ साफ कहा, वोटों की राजनीति करना बंद करे, हमें भाई भाई को जातिवाद से करके ना बांटो, मेरा घर का 4 बेटा गया, मुआवजा दे रहे हैं या भीख 20 लाख रुपए और एक नौकरी अगर सरकार नहीं देती है तो हम लोग धरने पर बैठने का काम करेंगे और आने वाला 2024 चुनाव में गांव घुसने तक नहीं देंगे एवं एक भी वोट नहीं देंगे। मृतक का भतीजा शाहिद रजा ने कहा, जब बड़े अधिकारी अपना बर्थडे पार्टी में 2 लाख खर्चा कर देते हैं और राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन पर भी कहा, यह जो 2 लाख मुआवजा के तौर पर जो मिला है कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत बात है। खेतकों में इतनी बड़ी घटना घटी, 4 लोगों का स्पॉट डेथ हो गया, 11, 12, 10 लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे और सरकार की लापरवाही के कारण हुआ, जबकि जिला प्रशासन को, अनुमंडल प्रशासन को, थाना को पूर्व से जानकारी थी कि जुलूस निकलेगा, फिर भी 11,000 जो वोल्टेज का तार है उसमें बिजली थी और जो मृत परिवार हैं उन्हें 2-2 लाख रुपया दिया गया। मात्र विधायक यहाँ आए, ना ही मुख्यमंत्री आके हालचाल पूछने का काम किया, ना ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, चाहे वो आलमगीर साहब हो, चाहे इरफान साहब हो, कोई एक शब्द बोलने को इस पर तैयार नहीं है। लोग मणिपुर की घटना की चर्चा कर रहे हैं लेकिन झारखंड में कल मुस्लिम समाज के बीच इतनी बड़ी हादसा हो गई, यहाँ पर बोलने वाला कोई नहीं है, एक शब्द मुख्यमंत्री जी नहीं बोल पा रहे हैं। क्या 2-2 लाख रुपए आप मुआवजा देकर क्या दिखाना चाहते हैं? कोई भीख मांगने आपसे आया है क्या? आप रखिए 2-2 लाख रुपया, डॉक्टर प्रकाश सिंह अपने वेतन से 2-2 लाख रुपया देगा। अगर मुआवजा देना है तो 20-20 लाख रुपया मुआवजा दीजिए और बिजली विभाग की ओर से एक एक आश्रित परिवार को एक एक नौकरी दीजिए, और नहीं तो मैं गारंटी लेता हूं कि खेत को गांव के लोग एक भी आपको चुनाव में वोट नहीं करने जाएंगे। मजाक बना के रख दिया है आप लोगों ने झारखंड को, मजाक बना के रख दिया है मुस्लिम समाज को, समाज को जात और पात में विभक्त करके आप वोट की राजनीति करना चाहते हैं। कहां है हेमंत सोरेन जी? मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मैं यहां के विधायक अनूप जी से पूछना चाहता हूं कि कितना पैसा उनको मिला? 2 लाख रुपए में क्या उनका पूरा जीवन चल जाएगा क्या? इससे तो अच्छा मैं देखा कि प्रकाश सिंह भाई ने मृत परिवार के बच्चों को पढ़ाने की बात कही है। हमारे अंदर तो खून है, खौल उठता है। मैं खेतों के लोगों से आह्वान करता हूं कि आपने जो पानी को सींच कर शरीर में रखा है, खून को दौड़ाइए और खून को खोलाइए। आप जिस भी दल में हैं अपने बड़े बड़े नेताओं को बोलिए कि यहाँ उचित न्याय मिलना चाहिए। घायलों के बारे में क्या कहना? घायलों के बारे में ठीक है, घायलों के बारे में जो उनका इलाज है उनको मुआवजा मिला है, ठीक मिला है, उसमें हमारा कोई कुछ नहीं कहना है। उनको इलाज होकर घर चले आए हैं, वो जल्दी खा पी के स्वस्थ हों, अपना काम करें, लेकिन मृत परिवार क्या करेगा भाई? वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कितने मंत्री आए यहाँ, कितने नेतागण आए? देश की सबसे बड़ी घटना कल घटी है, बंगाल की बात करते हैं, मणिपुर की बात करते हैं, हमारा झारखंड का बेटा मारा जा रहा है, 32 की खतियान की बात करते हो, ये खतियानी लोग नहीं है तो कौन लोग हैं? मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि कब तक आप 20 लाख रुपए मुआवजा दीजिएगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, ये बताइए हमें। जमीन विवाद में आदिवासी सुरेश मुर्मू की हत्या हुई, 8 लाख आपने मुआवजा दिया, फैक्ट्री में 15 लाख का मुआवजा मिल रहा है और आपके लापरवाही के कारण हमारे बेटे का, 4 बेटे का लाश पड़ा हुआ था, आपने 2 लाख रुपया मुआवजा देकर हंसी का पात्र बनाया है, ये बहुत गलत बात है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आप मुख्यमंत्री जी अविलंब संज्ञान लीजिए, यही हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं। इस घटना जो मिली जानकारी के अनुसार जो 2-2 लाख मृतक परिवार को मिला, इस पर आपको क्या कहना है? निश्चित रूप से ये बहुत ही खराब रहा, क्योंकि आज के डेट में बड़े अधिकारी जो है बर्थडे में 2 लाख रुपया खर्च कर देते हैं, जिसका जो किसी का बेटा गया, किसी का बाप गया, उसके बच्चे लोग का भालन पोषण कैसे होगा? राज्य के मुखिया का नाम गांव का सरकार है,
देखिए, इस बार जो है हमारे जो विधायक हैं अनूप सिंह जी और इस राज्य का जो हेमंत सोरेन जो मंत्री हैं, उन्होंने जो ये मुआवजा देने का काम किया है ये एकदम निंदनीय मुआवजा है। 2 लाख में कुछ होता नहीं है, क्या होगा 2 लाख रुपये में? आजकल खर्च जो इतना महंगाई बढ़ गया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से हेमंत सोरेन और यहाँ के जो विधायक हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम 20 लाख रुपया एक नौकरी मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो आने वाला चुनाव में हम लोग किसी को वोट नहीं करेंगे, किसी भी दल का नेता हो, किसी को गांव में घुसने नहीं देंगे, पार्टी को घुसने नहीं देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा हो और कम से कम एक नौकरी हर परियोजन के जो भी सदस्य गए हैं, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, उनको नौकरी मिलना चाहिए। फिलहाल अभी करंट और वर्तमान में आपकी रणनीति क्या है? देखिए, अगर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार का, अगर वो सही मुआवजा देती है तो हम लोग चुप बैठेंगे, नहीं तो ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग डीसी ऑफिस घेरने का काम करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा मुख्यमंत्री आवास घेरने का काम करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग विधानसभा सत्र जो चल रहा है वहाँ भी घेरने का काम करेंगे, क्योंकि जिस इंसान को दर्द होता है वही समझ पाता है। लोग एसी में बैठ के हर चीज़ को ट्वीट कर सकते हैं लेकिन उस पर दर्द में शामिल नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भैया को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत दुखी गरीब परिवार के लोग हैं, इसको मुआवजा मिलना चाहिए, एक नौकरी होना चाहिए। घटना की जानकारी सुनते हैं, कई राजनीति के पक्ष विपक्ष के राजनेता यहाँ आए, वर्तमान विधायक और गोमिया के पूर्व विधायक, लेकिन कई लोग भी आए, इन लोगों का आश्वासन क्या मिला और इन लोगों से भी कुछ मदद मिला क्या? अभी तक किसी से कोई मदद नहीं मिला है। हमारे जो विधायक हैं अनूप सिंह जी, उन्होंने अपने तरफ से कुछ भी देने का काम नहीं किया, सिर्फ बिजली विभाग जो है उसमें 2 लाख रुपया देने का काम किया, जबकि उसका मैनिफेस्टो में 4 लाख रुपया है, लेकिन 2 लाख रुपया ही दिलाने के काम किया। बाकी का 2 लाख कहाँ गया? बाकी के लोगों को 2 लाख रुपया तो ये सिस्टम ही जान सकता है, लेकिन हम लोग को बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कुछ जानकारी के हिसाब से पता चला है कि 4 लाख रुपया मिलता है लेकिन 2 ही लाख मिला, और विधायक की तरफ से कोई मदद नहीं मिला, और भी जो विधायक आए सिर्फ आश्वासन दिए, आश्वासन दे के चले गए। अब हम लोग को देखना है आजकल में कि क्या होता है, नहीं होगा तो हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। उसके बीवी है, बच्चे हैं, वो लोग का भालन पोषण सरकार कैसे करेगी, ये सरकार की जिम्मेवारी है और उसी पे हम लोग उसी पर देने का काम करेंगे। वो उस चीज़ को संज्ञान में ले कि क्या करेंगे,